बाली उपखंड के चामुंडेरी राणावतान गांव में बने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चामुंडेरी के गेट पर ताला लगाकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से स्कूल में बारिश का पानी घुटनों तक भरा रहता है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल के लगभग सभी कमरों की छत से पानी टपक रहा है, जिससे सभी बच्चे कमरों में बैठ नहीं पाते हैं। बच्चों के माता पिता का कहना है कि जब तक स्कूल जाने मुख्य मार्ग नहीं बन जाता है, तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इस अवसर पर एडवोकेट दिलीप कुमार, मीणा वार्ड पंच महेंद्र कुमार भाट, सुरेश परमार, भंवर सिंह, हीरा राम हीरागर, दरगा राम, हनुमान मेघवाल, सकरा मीणा, प्रकाश सुवारा, दिनेश मेघवाल, सगन हीरागर व ग्रामीण महिलाएँ मौजूद रहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आए हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय अपनी चामुंडेरी में। और चामुंडेरी का ये पीछे वाला आप फील्ड देख सकते हो, जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ कि बच्चों के स्कूल आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज हम ग्रामीणों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, अपने विद्यालय गेट का ताला लगा के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब हम बात करना चाहेंगे हमारी इस जो विकास कमेटी है उनके अध्यक्ष महेंद्र जी से कि क्या चल रहा है इसके स्कूल में। महेंद्र भाई, पहले तो आपका इस चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन रोज क्यों हैं, क्या कारण है आज? पहली बात तो स्कूल के मैदान में सब पानी भरा हुआ, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, बच्चों के कपड़े ख़राब हो रहे, बैग ख़राब हो रहे, किताबें ख़राब हो रही है, क्योंकि मिट्टी में बच्चे गिर जाते, छोटे बच्चे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है, और पानी का भराव है मैदान में। दूसरा प्रॉब्लम है शौचालय की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है स्कूल में। बड़ी बड़ी बच्चियां आती है, छठी में पढ़ती है, पाँचवीं में, इनके लिए कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। ये दो समस्या हमारे जरूरी है और पोषाहार बच्चों के नहीं आ रहा है। 12 महीना हो गया, कोई बजट नहीं है इसमें। शिक्षकों बोलते हैं तो कि आगे से कोई आ नहीं रहा तो हम कहाँ से देवे, किताबें आ रही है खाली, ये हमारी समस्या है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं के थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और स्कूल के लिए कोई कदम उठाए। तो अब हम आगे जानना चाहेंगे हमारे गांव के जो एडवोकेट है दिलीप जी, आप सुबह से आए हुए, आप यहां पे लोगों के साथ में विरोध प्रदर्शन में शामिल है, आप किस नज़रिए से देखते हो इसको? देखो, गांव के बच्चे जो आ रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूल जब से चालू हुई है और ये पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग में हम भी पड़े हैं यहाँ पे इस स्कूल में, लेकिन पहले ये पानी की समस्या नहीं थी, क्योंकि पानी का जो जाने का मुख्य मार्ग था वो वहाँ से था, उस साइड से बाहर। अब ये टंकी बन गई, तो टंकी की दीवार बनने से ये पानी पूरा यहाँ स्टॉप हो गया है और इसके जाने का कोई रास्ता नहीं है। और बच्चे स्कूल आते हैं तो पूरा पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आने में काफ़ी समस्या आ रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि हमने सरपंच महोदय से भी इस बात को अवगत करवाया है और आगे भी हमने अपने SDM साहब से पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला और आश्वासन के भरोसे ये बच्चे कब तक इस स्कूल में आएंगे। अब माता पिताओं ने ये एक ही बात, इनका कहना है कि हम जब तक ये रास्ता सही नहीं होता है तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और जो स्कूल के कमरे बने हुए इसमें भी पानी टपक रहा है, कहीं बैठने जैसी स्थिति नहीं है। और हम ग्रामीणों से भी अपील करते हैं, चामुंडेरी गाँव से और जितने भी गाँव के बड़े बड़े भामाशाह हैं उनसे हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब सहयोग से ये काम हो पाएगा, सरकार के भरोसे ये नहीं हो पाएगा। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, नेता सिर्फ हमें आश्वासन देता है, और आप भामाशाह से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है, हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकते हैं और हम सब सहयोग करेंगे, हमारे जितनी हिम्मत होगी हम भी सहयोग करेंगे, माता पिता पूरा गाँव मिल के हम सब मिल के काम करेंगे, तभी ये स्कूल का शिक्षा का नया मंदिर बन पाएगा, इसका समस्या का समाधान। उसके लिए भामाशाह हाथ से बार बार विनती करता हूँ मैं कि आप सब आगे आइए और हम सब मिलकर इस स्कूल का नींव तैयार करते हैं और इसका पुनः निर्माण करते हैं। स्कूल के पानी की समस्या हम सब मिलकर बहुत कुछ, अगर हमारे घर में इस तरह का पानी भरा रहता तो क्या हम अपना समस्या का समाधान नहीं निकालते, क्योंकि वो अपना घर है। तो ये भी अपना शिक्षा का मंदिर है, ये हमारा इस मंदिर का बच्चों का भविष्य का हुआ है। बच्चा अगर इस स्कूल में नहीं आएंगे तो बच्चों का भविष्य खराब है। महात्मा गांधी में शिक्षक पढ़ाने वाले बहुत अच्छे, स्टाफ का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने पढ़ाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, बच्चों को अच्छे पढ़ाते हैं। बच्चों का कहना है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छे है और यहाँ पर पोषाहार की भी कमी है और ये पोषाहार प्रशासन की लापरवाही है।
कभी कहते हैं बजट नहीं है, कभी कहते हैं क्या नहीं है। और प्रशासन से भी अपील है अपनी लापरवाही ना बरतें और आप समय रहते इन बच्चों को समस्या का समाधान करिए। और बच्चे माता पिता इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब स्कूल नहीं भेजेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो ये प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही, इनकी जिम्मेदारी उनकी बनेगी। धन्यवाद। तो ये स्कूल की जो कमरों की हालत को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या स्कूल में कमरों में भी पानी है? हाँ, कमरों में पानी टपक रहा है। अच्छा, बच्चों के बैठने जैसी स्थिति नहीं है। तो ठीक है, आप देख सकते हो। धन्यवाद दिलीप भाई। ये पूरी स्कूल है और इसमें जो ये कमरे भी आप देख सकते हो पूरी झरझर अवस्था में पड़े हैं, बच्चों को बैठाने की भी। और जो कमरे कमरों में बताया उन्होंने महेंद्र जी ने कि कमरों में जो सुधार हुआ है, अभी कोई मरम्मत हुई है तो वो भी स्कूल की कमेटी ने मिलके किया, माता पिता ने पैसे इकट्ठे किए। और महेंद्र जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने समय रहते कुछ बजट इकट्ठा किया था, उससे इसकी मरम्मत भी की है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है और हम सहयोग की आशा करते हैं, तभी ये बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।